भजन 110 का एक पद। मेरे प्रभु से यहोवा का वाणी ये है, हाँ तू मेरे दाहिने हाथ पे, जब तक कि तेरे शत्रु को तेरे चरणों में ना कर दूं, हालेलुया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये किसके बारे में बताया गया है, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है, हालेलुया। और हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर क्या किया, शैतान का सर को कुचल डाला। और अभी हम लोग क्या बोलते हैं, केवल उसका खुशी भर क्या है, खुश भर वो खिल रहा है, उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका सर को कुचल डाला है। और सांप को जब सर कुचल डालते हैं, उसका सिर को कुचल डालते हैं, तो खुशी से जब हिलते समय में डरना नहीं चाहिए। कई लोग तो क्या है, उसका सिर तो एकदम क्या हो गया, चटनी बन गया है, ऐसा मार मार के तब पूछियो हिलने से क्या होता है, खुशी हिलने से क्या होता है, भागने कुछ करता है, खुशी हिलने से भी है कि नहीं, पूरा डरता है। और आज विश्वास लोगों को समझना चाहिए, अब हम लोगों को शैतान से डरने की जरूरत नहीं है, उसके कई ऐसे हरकत हमारे जीवन में आते हैं, अभी भी नहीं डरना चाहिए, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने हम लोगों का चरण का धूली बना दिया है शैतान का तमाम शक्ति, तो इसलिए पूरा विश्वास के साथ में जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग आज्ञाकारी बनते जाते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना के अनुसार इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, हालेलुया। तो प्रभु धन्यवाद हो। और हम लोग यहाँ देखते हैं प्रभु के रूप में यीशु यहोवा है, बल्कि आज हम लोगों ने देखा यीशु को प्रभु कहना परमेश्वर का बराबर है, हालेलुया। यीशु को प्रभु कहना क्या है, परमेश्वर का बराबर बनाना है, हालेलुया। और बाइबल में हम लोग देखते हैं, अभी मैंने केरल में भी बताया, योना रेशु समाचार एक अध्याय का 1-2-3 पद में बताया गया है, आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न न हुआ। और 14 पद में बताया गया है कि वो वचन मनुष्य का रूप धारण करके आया। और 18 पद में लिखा है, परमेश्वर किसी ने नहीं देखा, लेकिन एक एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और उन्होंने भने योना रेशु समाचार 14 का 8 पद में भी वहां पर लिखा है, चेले लोग बोल रहा था कि हे प्रभु हमें पिता को दिखा दे, पिता परमेश्वर को दिखा दे, उतना हमें बस है, काफी है, ऐसे बोलते समय में यीशु मसीह ने बताया, इतने दिनों तक मेरे साथ में चलते फिरते थे तभी भी तुम्हें तो मालूम नहीं हुआ, जिन्होंने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा, हालेलुया। जिन्होंने मुझे देखा है उसने परमेश्वर पर विश्वास किया है। और यीशु मसीह ने ऐसे भी बताया है, जो मुझे ग्रहण करता है वो पिता परमेश्वर को ग्रहण करता है, जो मुझ पर विश्वास करता है वो परमेश्वर पर विश्वास करता है, हालेलुया। और हम लोग फिर और भी देखते हैं योना रेशु समाचार का 10:30 में वहां पर बताया, क्या बताया है, वहां लिखा है परमेश्वर पिता और मैं एक हूं, हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है, आज यीशु मसीह को हम लोग परमेश्वर के एक पुत्र के रूप में दर्जा देके रखना नहीं है, मुझे तो मानना है पिता को पुत्र की जरूरत नहीं है, बल्कि इस प्रकार से सोचना नहीं चाहिए, लेकिन यीशु को परमेश्वर का दर्जा देना है, हालेलुया हालेलुया। वो हमारा सृष्टि करता है और यीशु के बारे में हम लोग देखते हैं वो सृष्टि करता है बोलकर बताया गया। और पुराने जितने भी भविष्यवक्ता लोग थे उससे भी मैं पहला था, पहले हूँ बोल के बताया, इस सृष्टि बनाते समय में भी मैं एक कारीगर के रूप में था बोल के परमेश्वर का वचन लिखा है, हालेलुया।
और फिर हम लोग देखते हैं जो कुरियोस का मतलब महाशय या मालिक मत्तयो सुसमाचार 11:20 पद में बताया गया है, यीशु को वहां पर महाशय बोल के बताया गया है, और उसका मतलब ब्राह्मण ब्राह्मण का वो शिष्य करता है, वो संचालक है, जीवन और मृत्यु का नियंत्रक एक सच्चा परमेश्वर है बोल के पेत्र का 1:24 और 13:10-12 में लिखा है, 17:24 में भी लिखा है, और यीशु में विश्वास करने वाले उसे परमेश्वर स्वीकार करते हैं। हालेलुया।